जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेजिस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। चलिए बातें करेंगे दोस्तों, हम टाइगर 3 से जुड़ी हुई बोले तो यार बहुत इंटरेस्टिंग खबर है दोस्तों, तो वीडियो में कंटिन्यू आप लोग बने रहिए और एंड तक वीडियो को देखना दोस्तों। तो चलिए बातें करेंगे वॉर मूवी की। जी हाँ दोस्तों, वॉर मूवी कबीर वर्सेस खालिद। यहाँ दोस्तों खालिद जो नाम था वह है हमारे टाइगर श्रॉफ, जो कि हालांकि आपको बता दूँ मूवी में मर जाते हैं, लेकिन उनका जो मास्क लगा के पूरी मूवी में उन्होंने काम किया है। एंड में खुलासा होता है कि विलन कोई और ही है, लेकिन टाइगर श्रॉफ ही थे वो। पूरी मूवी में उन्होंने जो काम किया था ना, विलन का मास लेवल में काम किया था। उनकी जो नेगेटिव रोल थी ना भाई, बहुत तारीफ हुई थी दोस्तों, ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई थी। और उनका नाम था दोस्तों मूवी के अंदर खालिद रहमान। अब चलिए आते हैं हम दोस्तों टाइगर 3। जी हाँ दोस्तों, अब टाइगर 3 और वॉर में क्या लिंक है ये आपको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, आतिश नाम आ गया है सामने इमरान हाशमी का। बताया जा रहा दोस्तों कि जो आतिश नाम है इमरान हाशमी का दोस्तों, आतिश रहमान पूरा नाम है उनका दोस्तों मूवी के अंदर। तो कहीं ना कहीं जो कनेक्ट है वो खालिद रहमान बोले तो टाइगर श्रॉफ से कनेक्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शायद वो भाई या बाप कुछ भी निकल सकते हैं मूवी के अंदर। ये मूवी में सरप्राइज मिलने वाला है, तो गाइस मिस मत करना टाइगर 3। ये बोले तो जो स्पाई यूनिवर्स का जो हिस्सा है ना भाई, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान, ये जो 4 मूवी आ चुकी है ना स्पाई यूनिवर्स का, इसमें ना आपको एक अलग लेवल में ट्विस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों बड़ी स्क्रीन पे 12 नवंबर को। मतलब कि क्या ही बोलूँ मैं, इस मूवी के अंदर आपको हर चीज़ का निचोड़ मिलने वाला, चाहे वो जॉन इब्राहिम हो, पठान का जीम, फिर कबीर भाई हो, फिर एक और करेक्टर क्या नाम उनका, आशुतोष राणा हो। यार मतलब कि यार क्या ही बोलूँ, कुछ भी अभी अब बिलीव नहीं करोगे यार। मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ें आ रही है ना, पूछो ही मत यार, मतलब पूछो ही मत। अगर ये चीज़ कनेक्शन निकल गया ना भाई, खालिद वर्सेस आतिश कनेक्शन निकलेगा ना भाई, सोच नहीं सकते वॉर 2 किस लेवल में जाने वाली। मैंने रिसेंटली एक वीडियो आपको बताया था जहाँ पर जूनियर NTR और सलमान खान का जो सामना होने वाला है इस मूवी में, बताया जा रहा 2 से 3 2.5 मिनट का ऐसा कुछ सिक्वेंसेंस होने वाला है भाई। बाप लेवल में अगर हो गया ना, ये बाप लेवल में जाएगी मूवी, बाप लेवल मतलब बहुत बड़ी स्पाई यूनिवर्स मूवी है दोस्तों। टाइगर 3 को हल्के में मत लो, और जितनी भी लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं ना उन पे तो ध्यान ही मत दो यार। सलमान भाई की मूवी जब भी आती है तो नेगेटिविटी हो ही जाती है दोस्तों, और करने वाले ना बहुत पैदा हो जाते हैं भाई। सलमान खान से हेट करने वाले दुनिया में बहुत है यार। तो दोस्तों अपना इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान ये दो कि स्पाई यूनिवर्स की सबसे बड़ी मूवी टाइगर 3 को मिस नहीं करना है। और यहाँ पे जो ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, या शाहरुख खान का 20 मिनट का कैमियो हो सकता है, ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ का झलक मिल जाए, जिम दिख जाए, या कुछ भी हो सकता है। आलिया भट्ट का सुनने आ रहा है कि आलिया भट्ट भी होंगी। तो गाइज आप कितना एक्साइटेड हो टाइगर 3 को देखने के लिए। 5 नवंबर को एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है। आप फर्स्ट शो देखोगे या सेकेंड फर्स्ट शो या थर्ड शो या सेकेंड शो, जो भी देखने वाले हो आप हमें जरूर कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मास लेवल में शेयर करो, ऑडियंस को पहुंचाओ ये खबर, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।